हेलो दगड़ियों, गुड मॉर्निंग, वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। एक नई सुबह की नई शुरुआत करते हैं एक नए व्लॉग के साथ। तो गाइस, देवल विशाल में आज है तीसरा दिन और आज तीसरे दिन घूमने का प्लान है हमारा रंगोली हाट, माँ हटकाली का मंदिर और साथ में पाताल भुवनेश्वर। दगड़ियों, हर्षित ऊपर गया है चाय लेने के लिए और मैं नीचे व्लॉग बना रहा हूँ। दोस्तों, मजे आ रहे हैं यहाँ पे। अमां नमस्कार। ठीक ठाक हाँ, तुम ठीक ठाक? पछाड़ना है ने कुछ मी नाती नाम किछ नाती नाम किछ नदी नाम अच्छी चीज है। हाँ, और जीवन हाँ राम जी उतर चल भाई, आज हाटकाली का जानिया हरकाली मिले मुझे कौन है। हो, आओ तुम लोग हिटो तैयार हो। अच्छा, हाँ ये ठीक है नहीं कपड़े हो? कपड़े तो ठीक है, रान दो ना, धोए करी राखो, पिट्ठा लगाई है। हो ठीक से, ठीक से। हो ठंडा लो ना, भी आ रही हूँ ना वही जा बच रहे यामा। ये देखो दोस्तों, ये होती है बड़े बुजुर्गों की माया अपने नाती पोतों के प्रति ना। मल के सर जाए। हाँ लियो, आप गर्म है क्या नम्मा? हाथ अच्छा, दो हल्ले था तू मोबाइल ला जल दगड़े देखो है हो ठंडे है दिया माँ था शेक दियो। देखो दोस्तों, मैं कितना लकी हूँ, मुझे हर जगह आमा लोगों का प्यार मिलता है। ये देखो, बिल्कुल अपना आमा वाला फील आ गया मुझे। यो गरम है यहाँ ना, तात आएगी मणि, तात आएगी अमा और दुहरा ले जाको लियो लियो। अच्छा मैं ली लियो। दोस्तों, आपको अपनी आमा की याद आ रही होगी ना। 87 साल की है दोस्तों आमा। आम माल का हूँ तुम्हारे जागो लियो, जपलाओ का लियो। ये माओ नमो भगवते वासुदेवाय, नमो भगवते वासुदेवाय, नमो भगवते वासु, नमो भगवते वासुदेवाय। हमार जहाँ जहाँ मिथिला होगा वहाँ सब सुख संतोष पाया होगा। इंधन का पहचानना है ने, इंधन का यो जो पिट्ठा लगा गुणान जीवन वो हमारा। अच्छा तो को भाई नायत भैया चल भाई, नायत भैया चल भाई। चल भाई। अच्छा चल भाई। कोवाल नंबर ऑफ हरी पूरन भुवन। हाँ राम जी जीवन, ये तो जीवन है ना। अच्छा, सबसे ठूल भैया सबसे नान, सबसे ठूल भैया नान चपन है नान भाई है चपन है निकास। अच्छा चपन है छोटा होगा। अच्छा भगवती। दोस्तों, इस घर में भी एक से एक कलाकार है। आप ही देखो, हर्षित की सिस्टर दीक्षा ने, ये देखो आप यहाँ पे व्हाट्सएप के इमोजी बाहर निकाल दिए हैं दगड़ियों। यो कस जीवड़ता ढेरो दखड़ा, यो लालचा हा लपलपा वाला, यो डाढ़ मानने, ठीक छो ना? ये आंखों से दिल दे रहा है, बताओ। दिल से दिल तो हर कोई देता है, ये आंखों से दिल दे रहा है। यो किला है रहो नली दुख खुश यो छी 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 छी। और यो देखो, यो बन ढाड़ू जा आंख तान ली रहो दगड़ियो, और यो अपन आंख बरमान में पूजा ली रहो। तो अभी दोस्तों मैं जा रहा हूँ हर्षित लोगों के पुराने वाले घर में। तैयार हो चुके हैं, कैमरामैन है हमारे हर्षित जोशी जी और कैमरे के ठीक सामने आप देख रहे हैं पवन पहाड़ी जी को। खुद को जी कहने में थोड़ा अजीब सा लगता है ना। और अब हम तैयार हो चुके हैं दोस्तों, हेलमेट हमने रख लिया है। आज हम जाएंगे हर्षित भाई की गाड़ी से, पहले हम जाएंगे हटकाली का मंदिर, वहाँ पे हम माँ काली के दर्शन करेंगे और आपको भी दर्शन कराएंगे। देन उसके बाद हम रास्ते में पड़ता है पाताल भुवनेश्वर और वहाँ के हम आपको दर्शन कराएंगे। कहाँ जान छा तुम? स्कूल जान छा? ते नाम की छ? हिमानी छ। कदम में पढ़ छ? आंगनबाड़ी में पढ़ छ। अच्छा, भाल मिल है वहाँ? अच्छा, ते नाम की छु भूली?
माही तू कदुमा पढ़ते है की क्यों तो का औवा उन्हें नहीं सुना दे कख ना उन्हें कख आ सीखे पा और तेरा नाम की छे यहाँ इल्लो अगिल बो तू कदुमा पढ़ते है दिमा पढ़ते है। तो मंदिर जाने से पहले हमें तीन देवियों के दर्शन हो गए, हिमानी माही और तेरा नाम की छे बरसा। बोलो हाट कालिका मैया की शाबाश। बहुत बढ़िया, जाओ पे जाओ। हाँ, इस गांव में मैंने एक चीज नोटिस करी यार, जो छोटे छोटे बच्चे हैं ना वो सब पहाड़ी मतलब फ्लुएंटली बोलते हैं यार, तो ये काफी अच्छी बात है। तू आप नंतिन को सिखा लेने क्या ना कदू नंतिन वाले यार ब्याह कब कर ले हम दो हमारे दो बल्द आ रहे हैं। ओ बोरल जी उजाड़ है जो बल्द पुता सर। अरे आराम से आ गई गलत टाइम। बल्द ने दाम लगा दिया दगड़ियों। हाथ में दोस्तों रायगर में पुलिस पत्ते हुए रायगर मार्केट में तो दोस्तों जड़ा पानी में हम प्रवेश कर चुके हैं। ये तो नहीं होगा जड़ा पानी। ओ ये जड़ा पानी वाला धारा। दाजी ये जाड़ा पानी नाम क्यों पड़ा होगा यहाँ का? कुछ पहले पुराने जैसे पानी के उससे ही यहाँ गांव का नाम पड़ा। वैसे अच्छा अच्छा पानी जो है यहाँ पर हमारे बुजुर्गों जो है पहले बाहर थे। अच्छा अच्छा मतलब गंगोलियाड भामा हमारी जो लेकिन उन्होंने यहाँ खरीदा। अच्छा आ महराजी हुए। अच्छा अच्छा तो जाड़ा पानी गांव कहाँ को हुआ? नीचे को हुआ। अच्छा गांव का नाम भी जाड़ा पानी हुआ। ग्राम सभा है। अच्छा अच्छा तो दोस्तों ये सामने जाड़ा पानी गांव दिख रहा है और कितनी ब्यूटीफुल लोकेशन में बसा हुआ है दगड़ियों। आप देख सकते हैं ठीक सामने हिमालय रेंज वहां तक सब जाड़ा पानी। ये ग्राम सभा पूरी जाड़ा पानी है। अच्छा अच्छा तक वो पहाड़ी जो अगले मकान दिख रहे हैं वो जाड़ा वहां से ये शरदपुरी आ गई। इसकी वो भी करवाई थी जब बॉम्बे जांच इस पानी की। अच्छा तो एक नंबर में ये पानी निकला था। हाँ, निकला ही होगा। पानी को आप जैसे एक बोतल में ले जाएंगे आप साल भर बाद भी देखेंगे वो पानी आपको वैसे ही मिलेगा। बिल्कुल बिल्कुल कोई इसमें कीड़े नहीं है। बिल्कुल तो दोस्तों एक नई जानकारी हमें पता चली है। जो जाड़ा पानी का ये पानी है दगड़ियों ये ओक ड्यू नाम से बाहर बिक रहा है। तो काफ़ी अच्छी पहल है। कोई यहीं के कर्नल साहब है मेहरा जी तो उनकी एक पहल है स्टार्टअप है तो उससे यहाँ के लोकल्स को भी डेफिनेटली रोज़गार मिला ही होगा। तो काफ़ी अच्छी पहल है। जो पानी ऐसे वेस्ट जा रहा था तो उसका कुछ ना कुछ यूज हो रहा है और उससे रोज़गार भी क्रिएट हो रहा है दगड़ियों। तो बांस को शायद इंग्लिश में ओक कहते होंगे तो ओक ड्यू नाम से ये है। तो बड़े बड़े ब्रांड्स को ये फेल कर देगा दोस्तों क्योंकि आप देखें ना इसमें कोई ऐसा है नहीं कि हम केमिकल के द्वारा पानी को शुद्ध कर रहे हैं। नेचर खुद पानी को प्योरीफाई कर रही है। आप ऊपर देख सकते हैं बिल्कुल भी पॉल्यूशन नहीं है। पूरा बांस का जंगल है कोई आबादी नहीं है और
वहाँ चट्टानों से, बांस की जड़ों से ये रिस के पानी आ रहा है दोस्तों। संभवतः इसी वजह से इस जगह का नाम जाड़ा पानी पड़ा होगा। तो दोस्तों जो भी लोग मेरे इस ब्लॉग को देख रहे हैं और जो भी मेरी जनता है पवन पहाड़ी ब्लॉग्स की, मैं आप सभी से और सभी उत्तराखंड वासियों से और जो बाहर से यहाँ घूमने आते हैं उनसे प्लीज़ मैं अनुरोध करना चाहूँगा हाथ जोड़ के कि जो हमारे ये प्राकृतिक धरोहर हैं, नौले हैं, धारे हैं, और ऐसे जैसे जाड़ा पानी का आप धारा देख सकते हैं दोस्तों, इसके आसपास गंदगी ना करें। क्योंकि दाजी लोग बता रहे थे कि इस बेल्ट में और कहीं भी पानी नहीं है, ये धारा है, लोग यहाँ से दूर दूर से पानी भरने के लिए आते हैं दोस्तों, ठीक है, और लोग गाड़ी रोक के भी यहाँ से पानी भरते हैं, मैंने आपको बताया था, अपना पीते खाते हैं, इंजॉय करते हैं, अच्छी बात है, लेकिन साथ में जो हमारे प्राकृतिक धरोहर है उनकी ऐसी तैसी मार देते हैं दोस्तों। अब आप देख सकते हैं इस धारे के पास में इतना शुद्ध धारा है, प्रकृति ने हमें आशीर्वाद स्वरूप दे रखा है दोस्तों। और उसके बगल में आप देखिए, ये देखिए आप दोस्तों, ये हाल कर रखा है मैकडॉल की बोतल, ये बहुत गलत है, ये देखिए आप दोस्तों कुरकुरे नमकीन, ये चखना वगैरह, ये देखिए आप बियर की बोतल यहाँ पड़ी हुई है, तो और बोर्ड यहाँ पे देखिए दोस्तों गवर्नमेंट की तरफ से है, गवर्नमेंट की तरफ से, कृपया जल स्रोत के 50 मीटर के दायरे में शराब व अन्य किसी प्रकार का मादक पदार्थ से आज्ञा से थाना अध्यक्ष साहब, देखो थाना अध्यक्ष साहब की भी नहीं सुन रहे हैं लोग, तो ये चीजें आप इस नजदीकी हो, एक बार आप सफाई कर देना, एक बार देखिए सर मैंने करवा रखी है, देखिए इतना सफाई, फिर वही हाल हो, देखो मैंने सब सफाई अपने यहाँ से नाला साफ करवा के बार बार करते रहते हैं हम भी, फिर भी करना तो नहीं है, ये किससे बोलेंगे, लड़ने आ जाएंगे, वो लड़ जाएंगे हाथ में उनकी दारू की गिलास है तो हम कैसे रोक लेंगे, थानेदार साहब भी हमारे कह रहे थे अध्यक्ष सर, मैं कहा सर हम किस किस को रोक पाएंगे, हम यहाँ पर अकेले वो है, तो सही बात, सही बात, बोला हम बोर्ड लगाते हैं, आप हमें कॉल कीजिए, बोला हम कार्रवाई हम करेंगे, सर हमें देखो ऐसा कर रखा है, अभी आप देखिए दोस्तों ये आप डिस्पोजल ही डिस्पोजल आपको दिखेंगे ऐसे, ये देखिए आप ये पोल्यूशन कर रखा है ये, अब इतनी सुंदर जगह से ये चट्टानों से रिस के पानी आ रहा है दोस्तों, और यहाँ ये है, तो अगर दोस्तों हम ऐसी गंदगी करते हैं ना तो फिर हमारे पढ़े लिखे होने का कोई फायदा नहीं है दोस्तों, कोई बिल्कुल, आप अच्छे हैं, अच्छे परिवार से हैं, ठीक है, पढ़े लिखे हैं, तो सिर्फ प्लीज अपनी सभ्यता का परिचय दीजिए और ऐसे जल स्रोतों को गंदा ना करें, प्लीज मेरी आपसे रिक्वेस्ट है।